पाकिस्तान एक और गोल हो गया। पाकिस्तान को गोलकीपर की कोशिश थी लेकिन बेकार गई। ये देखिए, ये बिल्कुल भी समय नहीं लगी गोलकीपर को। इस वक्त सिर्फ 5 मिनट का खेल बाकी है और इंडिया की बढ़तरी है 4-0 की, 4-0 से। ये मैच बराह रास्त इंडिया शहर चेन्नई से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2023। आपको चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री बताता चलूं। चैंपियंस ट्रॉफी सबसे पहले पाकिस्तान ने अपने मुल्क में स्टार्ट की थी। ये पाकिस्तान की टूर्नामेंट था। फिर जैसे जैसे तरक्की होती गई फेडरेशन इंटरनेशनल के पैनल पे जब ये टूर्नामेंट आया तो फिर FIH ने इस टूर्नामेंट को भी अपने कंट्रोल में ले लिया और अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो IHF मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन करती है इसको, और वही फिर ये वेन्यू डिसाइड करती है, वही इसके मैचेस शेड्यूल देती है। और जबकि इस टूर्नामेंट का खालक है जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज़ भी रखता है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने का एजाज़ भी रखता है, एशियन गेम भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जीतने का एजाज़ रखता है, पाकिस्तान ओलंपिक चैम्पियन भी रह चुका है। और देखें इस मैच का रिजल्ट तो वाजे है कि पाकिस्तान मैच हार चुका है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बहुत ही बुरा खेल पेश किया, स्पेशली गोलकीपर ने, जो इस थर्ड हाफ में फिर चेंज किया गया। अकमल गोलकीपर ने बिल्कुल ही बुरा खेल पेश किया और उसके बाद टीम कोच ने उसको चेंज किया। ये दूसरा गोलकीपर जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे थे, इसने अच्छा खेल पेश किया, काफ़ी गोल सेव किए। पाकिस्तान हॉकी इस वक्त बहुत ही बुरे हालात में है। आपको बताते चलें कि ये आप मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का मैच बराह रास्त इंडिया के शहर चेन्नई से देख रहे हैं। मैच को सपोर्ट करें, मैच देखें और इसको सपोर्ट करें। पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त जवाल का शिकार है। ये इंडिया के कोच बहुत रिलैक्सेश मूड में, पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच जारी है इस वक्त। सिर्फ 2 मिनट का मैच बाकी है। इंडिया के 4 गोल, पाकिस्तान का 0 गोल। स्टेडियम में इस वक्त तमाशे मौजूद हैं। इंडिया बहुत अच्छा स्ट्राइक कर रहा है। रिजल्ट बिल्कुल सामने, 4 गोल, वो भी 1.5 मिनट में, वो भी पाकिस्तान की तरफ से मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने तो पूरे 70 मिनट में 1 गोल नहीं किया, तो ये 1.5 मिनट में क्या गोल करेंगे। तो इनकी अब फ्लाइट पक्की है वापसी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ये मैच हारने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। तो वैसे तो हुकूमत को चाहिए कि इनको बसों के थ्रू वापस लाए, फ्लाइट पे पैसे ज़ाया ना ही करें इनके लाने पे, या इनको पैदल लेके आए। बाकी देखें, सहूलतें भी देनी चाहिए इनको। और आखिरी मिनट का मैच बाकी है इस वक्त, टाइम वॉच टाइम के हिसाब से कुछ सेकंड एक्स्ट्रा हो सकते हैं,
क्योंकि जब को ग्रीन कार्ड होता है ये मैच स्टॉप किया जाता है, तो वो फिर ऐड करते हैं एंड पे। ब्लू एस्ट्रोटर्फ चेन्नई का इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इंडिया से बराह रास्त, और पाकिस्तान इंडिया का मुबाइन मैच जारी है जो कि आखिरी मिनट है फोर्थ क्वार्टर का। और बॉल थी पाकिस्तान के हाफ में, डी में आई, पाकिस्तान प्लेयर ने क्लियर की। लास्ट सेकंड जा रहे हैं, इसके साथ ही मैच का टाइम ख़त्म हुआ। ग्राउंड तमाशाइयों से भरा हुआ है। ये पाकिस्तान के कप्तान उमर भुट्टा जो कि बड़े फ़ख्र से सर झुकाए बाहर को आ रहे हैं। इंडियन तमाशाई अपने मुल्क का परचम लहरा रहे हैं। ये पाकिस्तान इंडियन कोच, इंडियन खिलाड़ी, इंडिया इस वक्त क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन ये टिकट पक्की होगी इनकी। जी अब आपको नेक्स्ट जब मैच होगा इंडिया का, फिर जब भी टूर्नामेंट का फिर आपको अपडेट देंगे, उसकी वीडियो भी दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। ये पाकिस्तान के गोलकीपर। ओके जी अल्लाह हाफिज़।